दोस्तों गदर 2 का गाना खैरियत रिलीज हो गया है और आते के साथ ही लोगों का दिल जीत रहा है। गाने में इमोशंस कूट कूट कर भरा गया है। उत्कर्ष पाकिस्तान में फंसे हैं, वहीं ट्रक में बैठे सरहद की ओर जाते सनी यानी तारा सिंह उनकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं। ये चिट्ठी पढ़कर सनी बेटे की याद में बेहद इमोशनल हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। मान गए सनी देओल अपने फैंस के दिल में उतरना बाखूबी जानते हैं। ये साबित करता है उनकी नई फिल्म गदर 2 का गाना खैरियत, जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। दोस्तों इमोशंस से भरे इस गाने ने हर किसी को रुला दिया है। गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है, जो जनता के मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं। दोस्तों सनी देओल की फिल्म भले ही 11 अगस्त को रिलीज हो रही हो, लेकिन अनाउंसमेंट के साथ सही फैंस के मन पर छाई हुई है। फिल्म का गाना खैरियत भी रिलीज के साथ ही फैंस के मन पर छा गया है। हर कोई बस तारीफ ही करता नजर आ रहा है। गाना बहुत इमोशनल है। उत्कर्ष शर्मा पाकिस्तान में फंसे हैं, वहीं ट्रक में बैठे सरहद की ओर जाते सनी यानी तारा सिंह उनकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं। ये चिट्ठी पढ़कर सनी बेटे की याद में बेहद इमोशनल हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। वहीं घर बैठी सकीना यानी अमीषा पटेल भी बेटे की सलामती के लिए दुआएं मांगती है। गाने में गदर फिल्म से उत्कर्ष के बचपन की भी कुछ झलकियां दिखाई गई हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना और इसी तरह की फिल्मी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।